तो भाई इस दुनिया में चारों तरफ गुरबत है, तो हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो होता है कुर्बानी का वो गरीबों तक डोनेट करें। तो काफ़ी पुरानी वीडियोस में मैं ये बोल रहा था कि मैं असल हकदारों तक उनको गोश्त पहुँचाऊँगा, तो ये वीडियो कुर्बानी के गोश्त के असल हकदारों की है, तो आप लोग देखें और अमल भी करें। देखो भाई हम लोग गुरमत भाई से 20 रुपये मांग कर आए और अंकल ने दे दिए। नहीं तो भाई फिलहाल सारी थैलियाँ वैलियाँ तैयार हो गई हैं बांटने के लिए, तो अभी बस रिक्शा कराना है और सारी सारी थैलियों को इसके फलकदार तक पहुँचाना है। भाई फिलहाल फलक के साथ खड़ा हूँ और ये था अपना गोश्त, सही है आप लोगों ने देख लिया है। तो ये था बकरवा गोश्त और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं किसी की भी किस्म का शो ऑफ करूँ, सही है। ये सिर्फ मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ कि हम लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त गरीबों में बांटें, जितना हो सके ना उतना हम लोग गोश्त गरीबों में बांटें। तो देखें आप लोग, अभी हम लोग जाएंगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब होंगे और वहाँ पर जाके गोश्त बांटेंगे। फिलहाल ये करा है रहे हैं हम रिक्शा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। गेट के बाहर तकरीबन सबको गोश्त मिल गया और ऐसे ऐसे लोग जमा हुए हैं जो दो दो या तीन तीन या चार चार बार आके हमसे गोश्त ले गए। ऐसे लोगों से भी बचे, इन्होंने डबल डबल लिए हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब वापसी से इस वीडियो में ये बात बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें शो ऑफ करना होता तो हम बड़े से बड़ा बछड़ा ले आते, सही है ना। तो हमें शो ऑफ नहीं करना किसी भी किस्म का। इस वीडियो का अहम मकसद सिर्फ ये है कि ये जो यार हम लोग गोश्त भर के फ्रीजर रख लेते ना, ये हमारे लिए नहीं होती, ये इस गोश्त पे गरीबों का हक होता है। तो भाई बात सुनो, ये हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गोश्त हो सके वो गरीबों तक डोनेट करें। अभी ये गरीब शहर वालों को तो यार शहर में जितने भी गरीब हैं पूरे शहर में कुर्बानी होती है तो सबको मिलता है। तो अभी हम लोग एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर गाँव है दूर दूर तक कोई गोश्त नहीं। तो यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करम करेगा। तो भाई इंशाल्लाह मैं क्या बोलना चाह रहा था, अल्लाह ताला करम करेगा तो बड़े पैमाने पे अगले साल कुर्बानी करेंगे और उन गाँव तक पहुँचाएंगे गोश्त जहाँ पे गोश्त नहीं होता। इस कुर्बानी का ये मकसद नहीं होता है कि हम लोग अपने डीप फ्रीजर भर लें और बकाया बकाया बकाया। इस कुर्बानी में तीन हिस्से होते हैं, रिश्तेदारों के, जानने वालों के और गरीबों के और एक हमारे। तो भाई सारा हमारा गोश्त नहीं होता है और वो पीछे बैठ के मेरी कॉपी कर रहा है, सही है। तो अभी सबको देखेंगे, फिर आप उनके चेहरों की खुशी देखना यार, जिनको कोई गोश्त नहीं देने आता उनके चेहरों की खुशी देखना माशाल्लाह से। तो अभी मिलते हैं पहुंचने के बाद। इसी वही जगह जहाँ पे गुल मोहम्मद सर हमें लाए थे पहाड़ी पे और ये मेरी कॉपी करते हुए, और अभी हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। तो मेरी तो फट के हाथ में आ गई है, देख लो गाइस, गाइस देख लो गाइस, सब कुछ टूटा हुआ है और अगर यहाँ से गिरे तो भाई गए गए, रक्षा पूरा कर देता कट जाएगा। अच्छा अफान ये गाँव, अच्छा इस गाँव में गोश्त देने हम लोग, जगह का नाम बताएं। भाई कोसार फेज वन पीछे जगह गांव है जी, इस तरफ गांव है। तो हम लोग वहाँ पे गोश्त देने जा रहे हैं और भाई यहाँ पे कुछ और लोग भी गोश्त डोनेट कर रहे हैं तो यार यहाँ पे भी माशाल्लाह से लोग खुश हो रहे होंगे। और यार ये हमारे लिए गोश्त होता है, फिर से एक बार बता दूँ, ये गरीबों के लिए गोश्त होता है। हम तो पूरे साल गोश्त खाते हैं, कम से कम ऐसे बंदे होते हैं जो साल में एक बार गोश्त खाता है, उसके शायद एक साल में एक बार भी गोश्त नहीं लगता हो। और ये कॉपी कर रहा है भाई, गोश्त लेने आ जाओ जिस जिसको चाहिए, लेकिन एक लाइन के साथ, लाइन के बगैर कोई भी नहीं आएगा, वरना नहीं मिलेगा। अरे अम्मा के पास तो इतनी थैलियाँ हैं, अब अम्मा क्या करोगी गोश्त का, इतनी तो माशाल्लाह से आपके पास पड़ी हुई है, सब जितने भी आए भाई अम्मा को देकर गए गोश्त। मेरे पास और एक थैली अफान के पास है। और फिर बता दूँ अभी हवा भी बहुत तेज चल रही है। अच्छा हाँ, तो भाई अभी फिलहाल हम जा रहे हैं झोंपड़ी की तरफ। आ जाओ, कोई भी नहीं है तो ये झोंपड़ी है, पता नहीं किस गरीब की है, तो इसको गोश्त दे देते हैं। और ये झोंपड़ी गांव से सबसे अलग है, तो शायद इसको कोई किसी ने गोश्त भी नहीं दिया होगा। तो अभी चल देते हैं, कोई कुत्ता उत्ता नहीं हो, भाई से ही आवाज़ लगा दें। तो भाई यहाँ पे तो लोग आके फिलहाल गोश्त बांट रहे थे, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ और मतलब और गरीब वाले गांव में। भाई अभी हम लोग आ चुके हैं रिक्शे में से बाहर और यार अभी गुल मोहम्मद भाई थैलियाँ दे दें, अल्लाह रहम करे बाकी हम पे जिंदा बच के आ जाए। तो यार अब जिंदा बच के आ गए तो ये देखो सत्ता ब्लॉगर यार, सफेद जोड़े में क्या लगता हूँ, वाह। अच्छा किसी बच्चे को थैलियाँ नहीं देनी क्योंकि बच्चे ये कर रहे हैं। और दरअसल में जब हम लोग घर के बाहर बांट रहे थे तो बच्चे ये कर रहे थे कि एक बच्चा तो आया 5 बल लेकर चले गया। असल हकदार ये होते हैं, ये कोई और नहीं होता। छोड़ो, बच्चे आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन किसी भी बच्चे को नहीं देना। अच्छा दे दो, ये जो जितने भी आ रहे हैं एक एक उठा के लाओ दो।
एक एक दो हाँ बकरे का है, जो जो गैर अच्छा बकरे का है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ खाते हुए। बात सुनो, जो भी बेटा जो भी एक एक बार आ रहा है दूसरी बार नहीं आना, ऐसा नहीं करना। देखो आगे और भी गरीब हैं, देखो कैसे खुश हो रहे हैं यार कोई देख के। हमें ऐसी जगहों पे खुश देना चाहिए, ना ही के बंगलों में और शो। ला भाई एक थैली मुझे भी दो, देकर आता हूँ मैं। चाचा ये लें जी जी, चाचा मिलेगा क्या? अरे सबको मिलेगा चाचा, अस्सलाम वालेकुम। दो देते हैं मिलेगा, बहुत है गोश। हाँ हाँ बकरा बकरा बकरा, अरे अल्लाह आ जाओ। साईं साईं थैली वाली दे, एकड़ी थैली खनी दे, एकड़ी भी चाहे यार। वाह दियो वाह, एकड़ी भी चाहे। हां दियो सबने के दियो। अम भाई ये लें भाई। हां बकरो बकरो बकरा ये हाथ में बकरे का। गुलमन भाई मजा आ रहा है। तो भाई अभी एक थैली दे देते हैं इसको, हमने अपना बंदा रख दिया है। चाचा ककड़ी कितने की है? देखिए ले लो भाई 10-20-5। तो भाई मेरा ककड़ी खाने का दिल कर रहा है, चेक करता हूँ पैसे वैसे हैं या खत्म हो गए। भाई चाचा ने ईदी के तौर पे हमें ये दिए, मोटिवेट किया हमें। भाई मैं भी तुम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा गोश्त बांटा करो इस पे, ना ही अपना फ्रीजर भरे बंदा। देखो भाई हम लोग गुलमोहन भाई से 20 रुपए मांग कराए और अंकल ने दे दिए। नहीं भाई बहुत बहुत आपने इन लोगों ने कॉपरेट किया, लगा शुक्र है, थैंक यू। नहीं 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 यार आपको आगे रख लो। नहीं नहीं भाई थैंक यू भाई, मेहरबानी आप रख लें प्लीज भाई, खुशी से दे रहे हैं, ले लें ले लें। अरे शुक्रिया भाई ले लें। अंकल ने 20 रुपए मछली दे दिए, तो अब हम ककड़ी खाते हैं। ये भाई बोलने मिल गई, नहीं मिली ये ली तो। ये लो भाई तुम भी एक रखो, ये ले लो। सही है खुश हो? नहीं ये तुम्हारा भाई है छोटा, मुझे पता है भाई। ये एक थैली पकड़ो, एक 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 तुम भी ले लो भाई, पकड़ो। तो भाई फिलहाल अभी हम लोग गोश्त बांट कर आ चुके हैं और वापसी आ रहे हैं। हाँ गुल मोहम्मद भाई मजा आया, गुल मोहम्मद भाई को खीरे मिले। अच्छा भाई लोगों ने 20 रुपए भी निकाल के दे दिए थे, हमने मांगे गुलमत भाई से। अभी मैं इतना खुश हूँ, मैं दिल से खुश हूँ भाई। यार हमें चाहिए कि हम लोग ऐसी जगहों पे जाके बांटे गोश्त, ना ही कि हम अपने डीप फ्रीजर भरे। और ये मतलब इनके मुंह पे खुशी अलग सी थी, एक मैंने नोट कर ली थी। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं। खुदा हाफिज़। वो जो मैंने समझाया है ना, वो आप लोगों को अल्लाह करे के समझ में आ जाए। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, खुदा हाफिज़। मुझे इस वीडियो पे ना लाइक्स चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए, बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे शेयर करें अपने दोस्तों से जो कोई पढ़ते हैं और ये पीछे अपान तक कर रहा है। है छठा दिन और मैं इस वीडियो को बैठ के एडिट कर रहा था, तो बस यार मुझे इस वीडियो में तुम से कुछ भी नहीं चाहिए, ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो ना कमेंट करो, बस यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के पास शेयर करो जो अपने डीप फ्रीजर्स पढ़ते हैं।